हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। आज का सेशन कुछ खास होने वाला है। आप देख सकते हैं जनरल लीगल नॉलेज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कल की क्लास में, कल की जो स्पेशल क्लास रही है उसके अंदर जो पेपर सॉल्व करवाया था उसमें मैंने लिया था 2015 से लेकर 22 तक के, जिसमें 2015 से लेकर के 19 तक के लगभग क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए थे आप लोगों को। और साथ ही में वो बात करी, एक स्टैटिक पार्ट आया करता था। बट अभी अब रिसेंटली थोड़े से चेंजेस क्या हो गए हैं कि जनरल नॉलेज को जनरल लीगल नॉलेज बोल दिया गया है। जनरल लीगल नॉलेज इसको कहा गया है। एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, जल्दी जल्दी से आ जाएं ताकि हम अपना जो आज का सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ये जनरल लीगल नॉलेज से रिलेटेड, इसके प्रैक्टिस सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे। सोनाली जी गुड इवनिंग। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे कि जनरल लीगल नॉलेज को हम एक साइड में रखेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक पूरा कंसेप्ट जो है, जैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड पूछेंगे और पढ़ेंगे। गुंजन जी वेरी गुड इवनिंग। तो इसमें हम क्या क्या दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। और ऐसे ही मैंने डिवाइड किया है कि आपके ये 18 से 20 दिन के अंदर अंदर आपके जो जीएल के जिसको आप कहेंगे, जीके नहीं कह के बीच में किसको डाल दिया, एल को। एल क्या है, लीगल, ठीक है। तो लीगल रिलेटेड जो भी जीके है, जो भी जनरल नॉलेज रहेगी वो हम डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग सीमा दुबे, अनिमेश जी बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। तो हमने इसको क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। और आपको पता है कि इसके अंदर एक पोर्शन पूछा जाता है जो जजमेंट से रिलेटेड होता है, जो आपको बखूबी अपूर्वा मैम और तनसुख सर वगैरह लॉ के पूरे ले ही रहे हैं, सारे कंसेप्ट ले रहे हैं, और इंग्लिश के लिए रमेश सर हैं। और आपके जो ये बचा हुआ पार्ट है जिसमें थोड़ा सा माथापच्ची करनी पड़ती है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो जैसा मैंने बताया, हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी आपसे 100% पूछे जाएंगे, उससे क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो सबसे पहला पार्ट तो हमारा ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे हम पूरा, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो आप देख रहे हैं जनरल लीगल नॉलेज की जगह जो लीगल अफेयर्स रहेंगे वो हम पढ़ेंगे, लीगल करंट अफेयर्स रहेंगे, जो आपके कोई भी लॉ आया, बिल आया, उससे रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। मान लो कौन से बिल आए हैं उससे रिलेटेड रहेगा, क्या नया हुआ है, क्या कौन कौन से नए एक्ट आए हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ है, तो वो सारे करंट अफेयर्स को हम डील करने वाले हैं। और मैं पूरा एक आपको सिलेबस प्रोवाइड करूंगी विद टाइम टेबल कि हमारा जो है इतने से इतने तक यहाँ पे ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। और उस तरह से क्या करेंगे, वन बाय वन आप अपने लिख लेना टॉपिक्स के नेम और टिक करते जाना कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जोर कहाँ रहेगा हमारा, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस सेशन मतलब कि कंप्लीट करना ही, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम है। अनमोल जी वेरी गुड इवनिंग। तो आप लोग तैयार हो, एक बार मेरे को थम्सअप करके बता दो कि वी आर रेडी, और बिल्कुल हम रॉक कर देंगे, पेपर को रॉक करके आ रहा है। तो आप लोग बताएंगे आप लोग बिल्कुल तैयार हैं आज के इस सेशन के लिए जो कि मैं लेकर आई हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए। डी जिसको कहेंगे डीएलए का एक सीरीज है, जनरल लीगल नॉलेज का प्रैक्टिस सेशन। एक बार सभी थम्सअप करके बता दो कि आप लोग बिल्कुल तैयार हो, तो हम बढ़ेंगे आगे अपने जनरल लीगल नॉलेज प्रैक्टिस सेशन पे। आप यहाँ पर एक देख रहे हो टॉपिक क्या है, रॉक कर देंगे ना थिंकर, बिल्कुल रॉक कर देंगे। लिस्ट ऑफ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो पूछे जाते हैं कि अभी कोई भी नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं 2023 की, मैं बात कर रही हूँ, जो भी नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं आप लोगों के लिए, मैं उनको पूरा एक लिस्ट लेकर आई हूँ जिसमें से हमको आज की क्लास में ही क्या करना है, याद करना है। क्या करना है, याद करना है। बिना याद किए कोई भी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये तो मेरे को सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस दो कि हम लोग इसको रट लेंगे। और आप देख लीजिएगा जो क्वेश्चंस बनेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे इसी में से पूछे जाते हैं। अगर कोई अपॉइंटमेंट्स हुई है, ठीक है, उसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अनिमेश जी रेडी है, सोनाली जी भी थम्स अप कर दिया, गुंजन जी भी आ चुके, अनमोल जी भी आ चुके। तो चलो देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा आज का ये शानदार सेशन जो आप लोगों के हवाले होगा। अब आप लोगों को लर्न करना है इसको, ठीक है। इसी के साथ एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ कि डीजेएस की बुक रिलीज हो
हो चुकी है, आप लोग लिंकिंग पब्लिकेशंस पे जा करके उसको ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी DGS के प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं, DGS की बुक जो है अवेलेबल है, आप लोग उसको ऑर्डर कर लीजिएगा लिंकिंग पब्लिकेशन से। ठीक है, चलिए, प्रभात जी भी तैयार है, दीपक जी भी तैयार है, बढ़ते आगे की तरफ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि लिस्ट ऑफ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, जो भी 2023 के अंदर लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको क्या करने वाले, हम पढ़ने वाले हैं, याद करने वाले, ना कि सिर्फ पढ़ने वाले हैं, याद करने वाले हैं। तैयार है हमारी सेना, बिल्कुल तैयार है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे आप लिस्ट ऑफ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स 2023, जो अभी अभी हाल ही में पिछले कुछ 2 से 3 महीनों के अंदर जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, किसका कहाँ पे बोलते हैं ना नियुक्ति की गई है, उनके नाम हम यहाँ पे याद करने वाले हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए, मेहर सिंह वेरी गुड इवनिंग। देखेंगे अब लोग चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, सबसे पहली बात आ गई अभी अभी हाल ही में 2023 के अंदर, और ये बात मैं कर रही हूँ अगस्त महीने की, अगस्त सितंबर के महीने की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट है वो किसको नियुक्त किया गया है, कौन है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। चलो फटाफट से इसको पॉइंट को लिख लो, नोट कर लो, दिमाग में सेट कर लो, याद कर लो। बात कर रहे हैं हम किसके, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। नाम बिल्कुल अच्छे से याद कर ले। दीपक शर्मा जी, यूट्यूब का जो सेशन है वो 6 बजे से रहता है, और इसी के जस्ट बाद 7:15 बजे आपकी एक क्लास होने वाली है, स्पेशल क्लास ऐप के ऊपर, जिसमें हम जो पार्ट 2 है करने वाले हैं, और पार्ट 2 में सारे के सारे लीगल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड आपके जो वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे तो सॉल्व करवाएंगे हम लोग, तो आप लोगों को सेशन में ज़रूर ज़रूर आना है। ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट हमारा पॉइंट क्लियर होता हुआ, सभी लोगों को याद हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट करंटली अभी 2023 में इनका नियुक्ति हुई है, कौन है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, DKU, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता हुआ, और इंपॉर्टेंट भी रहेगा तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC इसका शॉर्ट फॉर्म है। किसके चेयरमैन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन को भी नियुक्त किया गया है, कौन है वो, आप देखेंगे संजय कुमार अग्रवाल, याद कर लो कौन है CBIC के चेयरमैन, संजय कुमार अग्रवाल। MPCJ के लिए भी है क्या, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, अगर आपके उसमें करंट अफेयर्स हैं तो डेफिनेटली आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो कौन है, जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई, याद कर लो जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई। देख पा रहे होंगे, देखिए मैं बड़ा आराम आराम से चल रही हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे आपको याद करवाना है यहीं पे, और आप लोगों को याद करना है, मुझे बताते रहो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट की हमने बात कर ली, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन की हमने बात करी, कौन है, संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, उसी के बाद बात करें चीफ जस्टिस की, बात करें हम केरला हाई कोर्ट की, तो वो कौन है, जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई। ठीक है, अब बात करते हैं तेलंगाना की, इसको भी मैं देखिए स्टार मार्क कर रही हूँ, मतलब समझ रहे हैं आप, ये सारे ही वैसे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से इनको दिमाग में सेट करना है हमें, कहीं भी ये नाम दिखे आपको क्लिक होना चाहिए माइंड में कि बिल्कुल हमने ये पढ़ा है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट कौन है, जस्टिस आलोक आराधे। फिर बात करते हैं, ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ईडी के डायरेक्टर अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, कौन है, किसको अपॉइंट किया गया है, राहुल नवीन को, कौन है वो, राहुल नवीन, इनकी जगह पहले थे संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, लेकिन अभी जो है राहुल नवीन को अपॉइंट किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की बात मैं करूं तो कौन है, जस्टिस नॉन मेकअपम कोटेश्वर सिंह, इसको एन के सिंह भी बोलते हैं शॉर्ट में, एन के सिंह, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, जिनको अभी नियुक्त किया गया है, एन के सिंह। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। फिर देखेंगे 14th चीफ जस्टिस की बात करूं झारखंड के, 14th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, ये कौन है, संजय कुमार मिश्रा, जिनकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो पहले डायरेक्टर रह चुके हैं ईडी के। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स हैं, अच्छे से इनको पढ़ लो, लर्न कर लो, और
घोट के पी जाओ, ठीक है। एक बार इसको देख लेंगे आप सभी लोग। ये जो अभी 23 में जिनके अपॉइंटमेंट अभी रिसेंटली हुए हैं, ताज़ा ताज़ा अभी हाल ही में, वो ये सारे मैं आपके लिए डेजिग्नेशंस लेकर आई हूँ। साथ ही आप देख सकते हैं पर्सन कौन कौन है, और पीडीएफ तो मिली जाएगी आपको। अगर आप अभी नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसको आप बाद में भी देख के और बना सकते हैं। जयंत जी वेरी गुड इवनिंग। तो देखेंगे, ये तो अभी एक स्लाइड आपकी मैं लेकर आई हूँ जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है उसका। फिर हम बात करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करें डीजेएस का पेपर को, हम इम्पोर्टेंस देते हुए सारा पढ़ाई जो है उसी के इर्द गिर्द कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं कि उसके जो बेसिक्स हैं उसको हम कैसे भूल सकते हैं। एनसीआर जो दिल्ली कहा जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन कहलाता है, सभी को पता है। सीएम की बात करें तो अरविंद केजरीवाल हो जाते हैं। फर्स्ट सीएम की बात करें, दिल्ली के फर्स्ट सीएम कौन रहे हैं? ब्रह्म प्रकाश जी रहे हैं। याद कर लो इसको, एकदम अच्छे से रट लो। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो ए एन झा हैं वो आपके। कौन है? ए एन झा। और अभी करंटली कौन है, प्रेजेंट अभी कौन है? श्री विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, ये प्रेजेंट के अंदर है। और ये इनका नंबर भी आप देख सकते हो 22, इसका मतलब 21 गवर्नर ऑलरेडी दिल्ली के हो चुके हैं। तो 22nd कौन है? श्री विनय कुमार सक्सेना। फिर बात करते हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट्स आ जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है तो वो 11 है। कौन से हैं? 11 है। और सभी को पता होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स की जो सीट है वो कितनी है? 70 है। उसी का जीरो हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? पार्लियामेंट की सीट 7 रह जाएगी। उसी के बाद राज्यसभा की बात करें तो कितनी है? वो है 3, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, फर्स्ट को हमेशा याद रखना, जैसे फर्स्ट पूछा जाता है कई बार पूछा जाता है। उसी के साथ हम देखेंगे अगर फर्स्ट विमेन सीएम की बात करें, महिला जो सीएम है कौन थे? सुषमा स्वराज। कौन रही हैं? सुषमा स्वराज, याद रखेंगे। फर्स्ट चीफ कमिश्नर की अगर मैं बात करूं, पहले चीफ कमिश्नर कौन रहे हैं? वो है शंकर प्रसाद। याद कर लो नाम, रट लो शंकर प्रसाद, क्योंकि जब आपसे जनरल लीगल के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जब मैं अभी सेकेंड पार्ट जो है सॉल्व करवाऊंगी 7:15 पे स्पेशल क्लास के अंदर, आप वहां देखेंगे इस तरीके के आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे। इसलिए मैं आपके लिए अलग से ये एक स्लाइड लेकर आई हूं कि आप इसको याद कर सके और अपने नोट्स में शामिल कर सके, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, फर्स्ट वुमेन सीएम की हमने बात कर ली, सुषमा स्वराज हो गई। फर्स्ट चीफ कमिश्नर की हमने बात की तो शंकर प्रसाद हो गए, ठीक है। और इसी के साथ में एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली, मतलब अभी जो है वो कौन है? एक्टिंग, मनमोहन नाम है इनका, मनमोहन जी करंट में है, ये कौन है? एक्टिंग चीफ जस्टिस है दिल्ली के अभी, ठीक है, प्रेजेंट के अंदर। श्वेता मिश्रा, राधे राधे, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। ये है भले ही छोटे छोटे सवाल, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखना। फर्स्ट आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, जहां आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस हाई कोर्ट का फर्स्ट, आपको पूछ सकते हैं चीफ जस्टिस कौन रहे हैं, करंट कौन रहे हैं। तो ये सारी जो बेसिक नॉलेज है हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन है अभी करंटली? मनमोहन जी। उसी के बाद बात करें फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे हैं? के एस हेगड़े। कौन रहे हैं? के एस हेगड़े। जब ये दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट आया था 1966 के अंदर, तो 4 जजेस की बेंच के बेंच थी, जिसमें से कौन है? के एस हेगड़े जो थे ये चीफ जस्टिस रहे थे, याद रखना है, चीफ जस्टिस रहे थे, ठीक है। उसी के बाद बात करें दिल्ली हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कब हुआ था, अभी मैंने बताया 31 अक्टूबर 1966, डेट याद कर लो, ईयर याद कर लो। करंटली सैंक्शनड स्ट्रेंथ, अभी स्ट्रेंथ की अगर आपसे पूछा जाता है, देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग करके आपको इसलिए दिया है क्योंकि कई बार ऑप्शंस में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कई बार क्या होता है ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं 60, 50, 40 ऐसे दे दिए जाते हैं, तो अगर इस तरह से दिया जाएगा तो समझ लेना क्या पूछ रहे हैं, वो टोटल पूछ रहे हैं। लेकिन अगर परमानेंट जजेस की वो पूछे तो आपको कितना बताना है? 45 परमानेंट जजेस की है और 15 एडिशनल जजेस इसके अंदर है, ठीक है, आपको याद रखना है। और आर्टिकल को बिल्कुल अच्छे से, आई नो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये, और इसको एक बार देख लेंगे कि 214 से लेकर 231 तक जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है? हाई कोर्ट से रिलेटेड है, उसके अंदर सारे हाई कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना एक पूरा चार्ट था जिसमें दिल्ली को लेकर के मेन मेन क्या क्या चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं वो वहाँ पर मेंशन थी। अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है, आप देखेंगे यहाँ पे कि न्यू अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया 2023, जो नई अपॉइंटमेंट हुई है इंडिया के अंदर 2023 के अंदर,
उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत ही वन लाइनर में लेकर आई हूँ, आपको सिर्फ वन वर्ड आंसर की तरह इसको याद कर लेना है, कुछ भी नहीं। हर किसी को पता है 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल पता है, 100% पता होगा। इसी के बाद अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो इजी से कहाँ जा रहे हैं, डिफिकल्टी की तरफ। तो देखेंगे आप वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आप कौन है, जगदीप धनकर, हर किसी को पता होगा कौन है, जगदीप धनकर, ठीक है। पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, नोट करते जाओ, उसी के बाद में याद भी करते जाओ, क्लास के अंदर जितना याद हो रहा है, अगर आपको 50-60% भी याद हो जाता है क्लास में, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखेंगे डिप्टी चेयरमैन की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन कौन है, जगदीप धनकर। फिर आ जाते हैं डिप्टी चेयरमैन के ऊपर, तो वो राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, राज्यसभा की बात हो रही है। डिप्टी चेयरमैन कौन है, जिनको अभी अपॉइंट किया गया 2023 के अंदर अपॉइंट किया गया है, कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, याद कर लेंगे, हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा। अपोजिशन जो है, लीडर है अपोजिशन के राज्यसभा के अंदर, उनका नाम याद करना भी जरूरी है, ठीक है। कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। और स्पीकर तो पता ही है, ओम बिरला जी हैं, ठीक है। तो ये एक स्लाइड हो गई आपके लिए, 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के नाम हो गए, आपके नोटपैड पे या नोटबुक में आ गए होंगे, डेफिनेटली। देखते हैं नेक्स्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पूछा जा रहा है, कौन है अभी, डी वाई चंद्रचूड़, ये कल की क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़। फिर बात करते हैं द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, श्री राजीव कुमार हैं, कौन है, श्री राजीव कुमार। याद करते जाओ, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जनरल लीगल के अंदर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, श्री राजीव कुमार। सीईओ की बात करें, नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वो है अमिताभ कांत, इसको भी याद कर लेंगे, अमिताभ कांत, ठीक है। फिर देखेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता, लिख लो तुषार मेहता, नाम भी ज्यादा बड़ा चौड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा नाम है, बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हो इसे। फिर बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें तो के वेणुगोपाल, कौन हो जाएंगे, के वेणुगोपाल। द करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मैं बात करूं, द करंट चीफ ऑफ किसकी बात हो रही है, आर्मी की बात हो रही है, आर्मी स्टाफ के चीफ की बात हो रही है, तो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल है मनोज पांडे, याद रखेंगे मनोज पांडे। फिर बात करूं मैं चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। सीईओ की बात करी थी तो कौन थे, अमिताभ कांत थे, अमिताभ कांत तो है सीईओ, और चेयरमैन की अगर बात करें तो कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यहाँ पे मैं बात करूँ तो कौन हो जाएंगे, श्री राजीव कुमार, श्री राजीव कुमार, नाम याद कर लो, रट लो और पढ़ लो। फिर देखेंगे, अभी हमने आर्मी की बात की थी, अब हम किसकी बात करें, चीफ ऑफ एयर फोर्स, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, जिनको वीआर चौधरी भी बोलते हैं, ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इसी के बाद अगर मैं बात करूं डायरेक्टर जनरल की, किसके, बीएसएफ, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल की मैं बात कर रही हूं, इन सभी का क्या हुआ है अपॉइंटमेंट 2023 के अंदर की बात कर रही हूं, तो देखिए नितिन अग्रवाल हो जाएंगे। नेवी के चीफ की अगर मैं बात करूं, देखो एयरफोर्स ले लिया, बीएसएफ ले लिया, ठीक है, आर्मी हो गया, तो फिर नेवी भी आ जाएगा, तो नेवी के चीफ कौन है, एडमायरल आर हरि कुमार, कौन हो जाएंगे, एडमायरल आर हरि कुमार। उसी के बाद देखेंगे द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी मैं बात करूं, नाम याद रखना है आपको, गिरीश चंद्र मुर्मू, इसको ये लो मैं मार्क कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरीश चंद्र मुर्मू, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो कौन है, राकेश पाल, कौन है, राकेश पाल। फिर मैं बात करूं सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल की, सीआरपीएफ क्या हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो डॉक्टर संजय लाल थाउसेन, संजय लाल थाउसेन, ये पैन आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आप लर्न कर लीजिए। तो ये तो हो गए हमारे जो न्यू अपॉइंटमेंट अभी हुए हैं, इसी के बाद नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। देखेंगे एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, क्या नाम है उनका, एम ए गणपति, याद रखेंगे, याद करेंगे, कौन है, एम ए गणपति, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के यहाँ पे बात करी जाए तो कौन हो जाएंगे, मनोज यादव, कौन हो जाएंगे, मनोज यादव।
और अगर मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल SSB के बात करूं तो वो कौन हो जाएंगे, श्रीमती रश्मि शुक्ला, रश्मि शुक्ला। RBI गवर्नर के यहाँ अगर मैं बात करूं, हालांकि हम लगभग लगभग लोगों को जानते हैं और पढ़ा हुआ भी है हमने, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे होंगे जो अपडेट हुए हैं तो उनको आपको याद रखना है। RBI गवर्नर जो है शक्तिकांता दास है, कौन हो जाएंगे, शक्तिकांता दास हो जाएंगे। जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ये इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, अनीश दयाल सिंह, अनीश दयाल सिंह। उसी के बाद बात करें द कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस, CVC के कमिश्नर की यहाँ पे मैं बात करूँ तो कौन हो जाएंगे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए ये जो नेम्स हैं और ये कुछ लिमिटेड हैं, इन्हीं में से कहीं ना कहीं से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो बहुत अच्छे से इन नामों को आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है याद करने के बाद में, और कुछ भी ऐसा ट्रिक से याद करो या जैसे भी, लेकिन याद करना है। तो फिर देखेंगे हम द चेयरमैन ऑफ UPSC का पूछ रहे हैं, चेयरमैन कौन है, मनोज सोनी, मनोज सोनी इज द चेयरमैन ऑफ UPSC। फिर बात करें डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर की मैं बात करूं तो कौन है यहाँ पे, तपन कुमार डेका, कौन हो जाएंगे, तपन कुमार डेका, कौन हो जाएंगे, तपन कुमार डेका। करंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की मैं बात करूं तो श्री प्रवीण सूद, नाम याद रखना है, CBI के जो अभी करंट डायरेक्टर हैं वो कौन है, श्री प्रवीण सूद। चेयरमैन पूछ रहा है ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन कौन है, अरुण कुमार मिश्रा, याद रखेंगे अरुण कुमार मिश्रा। फिर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की मैं बात करूं तो कौन हो जाएंगे, एन के सिंह। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोभाल, कौन हो जाएंगे, अजीत डोभाल। और हेड ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के हेड कौन है, वो है रेखा शर्मा, करंटली प्रेजेंट में कौन है, रेखा शर्मा इज द हेड, कौन हो जाएंगे, रेखा शर्मा। इसी के बाद मैं बात करूं ये जो मेन लेकर के आई हूं मैं आपके लिए नेम्स, इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है, ये एक शॉर्ट सेशन आप लोगों के लिए था जिसमें बेसिक जितने भी हैं छाट छाट के मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। इम्पॉर्टेंट 2023 के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं नई, वो सारे अपॉइंटमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। दीपक शर्मा, बिल्कुल ये PDF मिल सकती है आपको, ये मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ आप देखेंगे डेली लिंकिंग अफेयर्स के नेम से चैनल आपको मिल जाएगा, उसी में ये PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी थियोरी ज़्यादा नहीं है, बहुत की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ईजिली आप इनको लर्न कर सकते हैं, अगर 2 से 3 बार भी आप इनको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या हो जाएगा, ये लर्न हो जाएगा। इसी के साथ मैंने आपको फिर से बता दिया है DJS की बुक आ चुकी है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं लिंकिंग पब्लिकेशंस पे जाके, ठीक है, उसकी वेबसाइट पे जाके। मैम ये क्लास हिंदी में नहीं होता, एक्चुअली DJS का जो मीडियम है वो पूरा इंग्लिश है, लेकिन आपको मैं एक अच्छी खबर ये देती हूँ कि जो भी अभी ये तो हमने की पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी सारे क्वेश्चंस की, मैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेकर आऊंगी। हालांकि आता नहीं है, इंग्लिश में ही आपसे पूछा जाएगा, बट ये किस लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप और हम समझ रहे हैं, बस उस चीज़ को ईजी करने के लिए मैं आपको उस फॉर्मेट में लेकर आऊंगी क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कई बार होता है ना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे ना, फॉर्मेट सेम ही रहेगा, उसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए 7:15 की क्लास है, अभी 7:15 की स्पेशल क्लास है जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पूछे गए हैं पिछले साल, और आपने देखा होगा फॉर्मेट 2022 के अंदर सारे के सारे लीगल अफेयर से पूछे गए हैं क्वेश्चंस, करंट अफेयर से पूछे गए हैं, ठीक है, तो वो सारे हम सॉल्व करेंगे। और उसी के साथ में अब क्या रहेगा, रैपिड फायर की तरह हमारी क्लासेस रहेंगी जिसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस पे हमारा पूरा जोर रहेगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। टेस्ट भी ऐसा लेंगे कि आपका टेस्ट भी हो जाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है डेली लिंकिंग अफेयर्स, आप देख सकते हैं मेरी जो क्लासेस रहती है ना, उस पर एक बड़ा सा थंबनेल पे ऊपर लिखा होता है डेली लिंकिंग अफेयर्स, वही टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाइए, आपको सारे के सारे जो है क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, सारे PDFs मिल जाएंगे, जितनी भी क्लासेस की अभी हुई हैं सारी PDFs वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये क्लास ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो छोटी सी क्या था, कुछ नहीं, हम लोगों ने बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, की पॉइंट्स की तरह पढ़ा है,
बलविंदर जी हेलो, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं बताइए, तैयारियाँ कैसे चल रही हैं? तो देखिए, हर क्लास के बाद में मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा एक कोटेशन लेकर आई हूँ, तो इसमें भी लेकर आई हूँ ताकि आप लोग क्या है कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, कि क्या है जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वालों को ही प्राप्त होती है। तो ये इस मंत्र को पढ़ लो, कड़ी मेहनत करते जाओ। इस स्लाइड को अगर मैं अभी पीडीएफ डालूंगी तो मुझे ये चाहिए कि जब इनके क्वेश्चंस लेकर आऊं मैं तो आप लोग उसको 100% अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, क्या करोगे? 100% अटेम्प्ट करोगे। और अभी की जो क्लास होने वाली है 7:15 पे जो क्लास होने वाली है उसमें आप लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ जिसमें हम नेम्स देख लेते हैं स्टार्टिंग वाले। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको ये पीडीएफ तो अवेलेबल हो ही जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं है, आप अपने खुद के पर्सनल नोट्स भी बना सकते हो जिसमें सारे क्या लिख लोगे, जो भी 2023 के अंदर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको आप क्या करोगे, लिख लोगे। बहुत बढ़िया, कृपा है आपकी। चलो बढ़िया है, इसी तरह आप बढ़िया रहे, सब लोग खुश रहें। देखिएगा, हमने यहाँ से शुरू किया था कि 15th प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन की बात कर रहे हैं हम, कहाँ के, राज्यसभा के, तो वो हैं जगदीप धनकर। डिप्टी चेयरमैन जो हैं राज्यसभा के, हरिवंश नारायण सिंह। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, मल्लिकार्जुन खड़गे। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ओम बिरला। ठीक है, और मुझे देखिए अभी मैं पढ़ रही हूँ, आप मुझे बताना कि आपको इनमें से 32 में से कितने नेम्स ऐसे हैं जो याद हो चुके हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, डीवाई चंद्रचूड़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, श्री राजीव कुमार। सीईओ ऑफ नीति आयोग, सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है, अमिताभ कांत। रिकॉर्ड बाद में देख लेती हूँ मैम आपके। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। तो देखेंगे सीईओ नीति आयोग के कौन है, अमिताभ कांत। चेयरमैन कौन है नीति आयोग के, नरेंद्र मोदी जी। सॉलिसिटर जनरल की अगर बात करें तो तुषार मेहता हो गए। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो के वेणुगोपाल हो गए। करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आरजेएस की तैयारी में लग गए हैं, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल तैयारी करते रहिए। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो श्री राजीव कुमार हो जाएंगे। चीफ ऑफ एयरफोर्स की बात करूं तो एयर मार्शल वीआर चौधरी हो जाएंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ की बात करूं, नितिन अग्रवाल हो जाएंगे। नेवी चीफ की बात करें, एडमिरल आर हरि कुमार। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन हो जाएंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसपे मैंने स्टार भी लगाया है। ठीक है, क्या बात है तृप्ति पांडे जी, मज़ा आ गया। 30 नेम याद हो गए, तो दो बचे हैं वो भी फट से कर लो। जब तक मैं इसको पढ़ती हूँ ना दोबारा से, तब तक आप वो दोनों नेम भी लर्न कर लो, बहुत अच्छी बात। द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन हो जाएंगे, राकेश पाल। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ की मैं बात करूँ तो डॉक्टर सुजोय लाल थाउसेन। ठीक है, मेहर सिंह टैन, वेरी नाइस। कोई बात नहीं, आप क्लास में कर रहे हो ना, वो एफर्ट्स बहुत शानदार है आप लोगों के। एनएसजी की मैं बात करूं, एनएसजी डायरेक्टर जनरल कौन हो जाएंगे, एम ए गणपति। ठीक है, डायरेक्टर जनरल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करूं तो मनोज यादव। डायरेक्टर जनरल किसकी बात करें, एसएसबी की, सशस्त्र सीमा बल की मैं बात करूं तो कौन हो जाएंगे, श्रीमती रश्मि शुक्ला। आरबीआई गवर्नर की मैं बात करूं तो शक्तिकांत दास। डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी की बात करें तो अनीश दयाल सिंह। उसी के बाद कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस की बात करें तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, ये 25 हो गए, और लास्ट के ये देख लेते हैं, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन हो जाएंगे, मनोज सोनी। आपने देखा होगा मनोज, 2 से 3 बार मनोज नाम आया, एक में सोनी है, एक में अग्रवाल है, एक में पांडे है ना। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, तपन कुमार डेका। करंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, श्री प्रवीण सूद। उसी के बाद चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा चेयरमैन किसके, फाइनेंस कमीशन के, एन के सिंह। द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोभाल हैं। और हेड की बात करूँ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, तो वो हो जाएंगी रेखा शर्मा। तो ये 32 नेम्स आपको बहुत अच्छे से याद करने, और इसके पहले वाले जो डेली के हमने जो पॉइंट्स लेकर आए थे, की पॉइंट्स, की फैक्ट्स कह सकते हो उसको, वो स्लाइड 2 हैं। ठीक है, और जो हाल ही में ताज़ा अभी अगस्त सितंबर में जो हुए थे अपॉइंटमेंट्स, उनकी फर्स्ट स्लाइड में, तो ये मैं पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगी। टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर लेना और फिर अपने अलग से नोट्स इसको बना सकते हो, लिख लिख के याद करोगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अपनी एक टेक्निक बनाओ, अपनी खुद की एक टेक्निक बनाओ कि हम कैसे
इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। 7:15 पे आपको स्पेशल क्लास जरूर ज्वाइन करना है, उसका लिंक ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे डाल चुकी हूँ। तो हम वहाँ पर बैठकर क्या करेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, लीगल अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हमें लास्ट ईयर देखने को मिले थे वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी तैयारी कर लीजिए और आ जाइए 7:15 पे। तब तक थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक ले लो, आराम से रेस्ट करो, थोड़ा बहुत खा पी लो और फिर मिलते हैं 7:15 पे, ठीक है। इसी के साथ जो है ये हमारी आज की जो क्लास है ये फिनिश होती है और मिलेंगे कल की क्लास में। तो 7:15 पे आना मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार उस पर जोर दे रही हूँ, ठीक है। उसी तरह के आपको क्वेश्चन जो फ्रेम किए जाएंगे वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।